अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने बात करनी है फर्स्ट ईयर के टॉपिक की जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। लास्ट टाइम हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, थोड़ा सी इंट्रोडक्शन की बातें की थी बायोलॉजी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी के अंदर स्पेशलाइज कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं। नाइन्थ क्लास के अंदर आपने जब बायोलॉजी पढ़ी थी तो उसके अंदर आपने कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी लाइक एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट हो या एनिमल हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसानों की अगर हम बात करें तो इंसानों की बॉडी के अंदर कितने और कितने पार्ट्स हैं, कितने हाथ हैं, कितनी उंगलियां हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें जो एक्सटर्नली आप स्टडी करते हैं ये तमाम चीज़ें एनाटॉमी के अंदर आती हैं। फिर आप डिस्कस करते हैं कि किसी भी पार्ट का फंक्शन क्या है। हाथ है अगर तो उसका फंक्शन क्या है, पैर है अगर तो उसका फंक्शन क्या है, आइज है तो उसका फंक्शन क्या है, ये आप डिस्कस कर रहे थे फिजियोलॉजी के अंदर। सिमिलरली अगर आप डिस्कस करें कि जब ऑर्गेनिज्म बनता है, लाइक इंसान अगर जब बन रहा होता है मदर की बॉडी के अंदर, तो वो किन किन स्टेजेस से गुजरता है, तो ये आप स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। बिल्कुल इसी तरह सेल बायोलॉजी थी जिसके अंदर सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ा जाता है। हिस्टोलॉजी के अंदर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा जाता है। जेनेटिक्स के अंदर इनहेरिटेंस के बारे में कि पेरेंट्स से कैरेक्टर किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों के अंदर। आपने फिर पेलियोन्टोलॉजी पढ़ी थी जिसके अंदर फॉसिल्स की स्टडी होती है, यानी ऐसे तमाम प्लांट्स और एनिमल्स जो आज के दौर में ज़िंदा नहीं है लेकिन उनका बच्चा कुछ आपको मिलता है किसी पत्थर में से, किसी ज़मीन के टुकड़े में से। तो ये कुछ ब्रांचेस थी जो आपने नाइन्थ क्लास में डिस्कस की थी। इनसे डिफरेंट कुछ ब्रांचेस हैं जो कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद हैं। द फर्स्ट ब्रांच इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये बड़ी रिसेंट सी ब्रांच है। क्यों रिसेंट ब्रांच है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए आपके पास पहले माइक्रोस्कोप तो था नहीं, फिर जब माइक्रोस्कोप बना तो वो लाइट माइक्रोस्कोप था, उससे सेल प्रॉपर्ली नज़र नहीं आता, मॉलिक्यूल्स क्या नज़र आएंगे। तो अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके बाद से बड़ा आसान हो गया है मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना। अब ये मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं? तो ये वो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं, मेजर मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं, ये वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, सेल्स को बनाते भी हैं, यानी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं और फंक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने इंजाइम्स का नाम नहीं सुना होगा शायद, थर्ड चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंजाइम्स के बारे में। इंजाइम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, तेज़ करते हैं। वो इंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है। तो कौन सी प्रोटीन्स हैं, किस तरह के अमाइनो एसिड हैं जो कि इस एंजाइम को बना रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये स्टडी किया जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं भाई? डीएनए और आरएनए, ये दोनों आते हैं न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी के अंदर। क्या मिलेगा आपको डीएनए को स्टडी करके? तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारी वो होती है डीएनए के अंदर, और फिर उस डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है वो कहलाता है आरएनए। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, तो अगर आप समझना चाहते हैं कि जो वायरस है वो किस तरह से बिहेव करता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसका डीएनए। उसके डीएनए को जब आप पढ़ेंगे, उसके डीएनए को खोल के देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें बनाने की एबिलिटी रखता है, उसके बाद ही आप जो है वो उसके खिलाफ कोई ना कोई वैक्सीन या उसके खिलाफ कोई ना कोई ट्रीटमेंट बना सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स की स्टडी है, छोटे मॉलिक्यूल्स की स्टडी है, ये वो मॉलिक्यूल्स है जो बेसिक्स हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं या जो फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ये कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स, और इनकी स्टडी जो है वो कहलाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें प्रोटीन भी आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टार्च या ग्लाइकोजन या सेलुलोज, प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज होता है वो भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उसको भी स्टडी करना ये भी आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। इसके अलावा लिपिड्स, लिपिड्स की डिफरेंट वैरायटीज, लिपिड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक एक टाइप है लिपिड की जो स्टेरॉइड कहलाती है, वो स्टेरॉइड बेसिकली हमारे हॉर्मोन्स बनते हैं उससे। तो इन तमाम मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर होती है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी। ये आप नाइन्थ में भी इसका नाम सुन चुके हैं। बॉटनी और जॉलोजी के अलावा एक बड़ी फील्ड जो है ये कंसिडर की जाती है माइक्रोबायोलॉजी, हालांकि माइक्रो का मतलब वेरी स्मॉल है। ओके, तो ये स्टडी, इसमें स्टडी किया जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन है भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते, जिनके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। तो वायरसेस बहुत ही छोटे हो गए, उससे बड़े बैक्टीरिया, उससे बड़े प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं आपके जो सबने जिसका नाम सुना होता है, अमीबा है, पैरामीशियम है। प्रोटोजोआ का मतलब होता है एनिमल लाइक, यानी ये वो मेंबर्स हैं जो पहले एनिमल्स के साथ रखे गए थे लेकिन बाद में इन्हें अलग कर दिया गया। क्यों? बिकॉज ये यूनिसेलुलर होते हैं जबकि सारे एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं। एंड पैथोजेनिक फंजाई, फंजाई जो हैं ये भी कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और ये हार्मफुल होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब डिजीज कॉज करने वाले।
तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने पड़ जाएं, जो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उनकी स्टडी जो है माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। क्या स्टडी करेंगे आप? उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उनका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से मूव करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनके सेल के अंदर मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें आप स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बहुत सिंपल है, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले ही बायोलॉजी की डेफिनेशन में बताया था कि बायो के अंदर सिर्फ आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस नहीं करते बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट है ये क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, वहाँ किसी भी एरिया का पानी आ जाता है, वहाँ की मिट्टी आ जाती है, वहाँ की हवा आ जाती है, वहाँ कितनी सनलाइट है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, ये तमाम चीज़ें उस एरिया के इन्वायरमेंट में आती है। क्यों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज ये कहीं ना कहीं असरअंदाज होते हैं ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर। डिफरेंट सिटीज़ के रहने वाले लोग, उनकी आदत और उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। डिफरेंट ममालिक के रहने वाले लोग जो हैं, उनकी आदत, उनका बिहेवियर, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं जहाँ पर धूप कम होती है वो गोरे होते हैं, जो लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है वो काले होते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स, इनका इम्पैक्ट होता है, इनका इफेक्ट होता है ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ के ऊपर। तो ये जो स्टडी किया जाता है ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। इसका प्रीवियस नाम इकोलॉजी था। इकोसिस्टम स्टडी करना जो है ये इकोलॉजी के अंदर आता है। इकोसिस्टम क्या होता है? जब भी आप किसी भी एरिया के लिविंग थिंग्स को उस एरिया की नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जोड़कर स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है इकोसिस्टम, और उसकी जो स्टडी है वो कहलाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मरीन बायोलॉजी। मरीन जो है ये समंदर का पानी होता है, खारा पानी जिसे आप कहते हैं। तो समंदर के अंदर रहने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरसेस हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि मरीन इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है, उसके बारे में स्टडी करना, उसका बिहेवियर वहाँ पे, मरीन इन्वायरमेंट का उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है और उससे बचने के लिए वो क्या क्या चीज़ें करता है, उसके अंदर क्या अडेप्टेशंस हैं, ये तमाम स्टडी किया जाता है मरीन बायोलॉजी के अंदर। सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ेंगे अगले साल, तो उसमें आप देखेंगे कि जो समंदर में रहने वाली मछलियाँ हैं और जो मीठे पानी में रहने वाली मछलियाँ हैं या एनिमल्स हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस डिफरेंट तरीके से मेंटेन करते हैं। तो जो इन्वायरमेंट है वो असरअंदाज होता है। तो मरीन इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह से असरअंदाज होता है, वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ रहने के लिए, और उनका वो सोल्यूशन किस तरह से निकालते हैं और कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, ये तमाम स्टडी किया जाता है मरीन बायोलॉजी के अंदर। सिमिलरली एक फ्रेश वाटर बायोलॉजी है। फ्रेश वाटर वो है कि जिसके अंदर नमक नहीं होता, मीठा पानी जिसे कहते हैं, जिस तरह पॉन्ड्स हैं, जिस तरह रिवर्स हैं, जिस तरह लेक्स हैं, तो इनके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। पॉन्ड का पूरा इकोसिस्टम आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर, सेकेंड ईयर बायोलॉजी में। तो फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन से प्लांट्स, कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, वहाँ क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, और उन चैलेंजेस से निमटने के लिए क्या क्या एडेप्टेशन जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखी जाती हैं, ये तमाम स्टडी किया जाता है फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर। देन वी हैव अ ब्रांच विच इज़ नोन एज पैरासाइटोलॉजी। अब ये जो पैरासाइट है इसकी डेफिनेशन क्या है? पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करता है और बदले में उसे नुकसान पहुँचाता है। बीमार करे या ना करे, नुकसान पहुंचाता है। नुकसान क्या है भाई? जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज़ से, किसी ऑर्गेनिज्म से फूड ले लेंगे तो उसके पास कम हो जाएगी, तो नुकसान हो गया। कई बार ऐसा होता है कि पैरासाइट नुकसान के साथ साथ बीमारी भी कॉज करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम इंसानों के अंदर जब आता है तो एक तो उनसे फूड लेता है, उनके सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, और फिर बीमारी भी कॉज करता है, जिसे आप मलेरिया कहते हैं। तो ये एक पैरासाइट है। तो पैरासाइट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो टोटली डिपेंडेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म पे, और कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, वायरस का नाम आपने सुना है। वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। क्या मतलब ऑब्लिगेट का? वायरस अपने होस्ट के बिना नहीं रह सकता। होस्ट वो है जिससे वो फूड लेता है या जिस पर वो डिपेंडेंट होता है। तो वायरस अपने होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो वायरस को हम कहते हैं टोटल पैरासाइट या ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसके अलावा दूसरे पैरासाइट ऐसे होते हैं बहुत सारे कि जो होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं लेकिन उसके बिना भी सर्वाइव कर जाते हैं। सिमिलरली कुछ पैरासाइट वो होते हैं जिनका एक होस्ट होता है, कुछ पैरासाइट वो होते हैं जिनके दो होस्ट होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स है पैरासाइट की। पैरासाइटोलॉजी के अंदर आप क्या डिस्कस करते हैं? उसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब वो किन किन स्टेजेस से गुजर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मच्छर की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो मॉस्किटो है वो भी पैरासाइट है।
क्योंकि वो भी हमसे फूड लेके बदले में हमें नुकसान पहुंचाता है। तो मच्छर जो है वो किन किन स्टेजेस से ग्रो कर रहा है, कैसे कैसे वो पैदा होता है, किन किन जगहों पर पैदा होता है, कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है, क्या क्या चीज़ें उसे चाहिए होती हैं, किस तरह वो फुल एडल्ट बनने के बाद दोबारा रिप्रोड्यूस करता है, ये पूरी उसकी लाइफ साइकिल है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कोई बीमारी जो है वो किस तरह से फैलती है। फॉर एग्जाम्पल एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स का जो वायरस है वो किन किन तरीक़ों से फैलता है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप डिस्कस करेंगे कि एड्स का जो वायरस है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन खून देने से अगर चेक ना किया जाए, नीडल्स या सिरिंजेस को दोबारा इस्तेमाल करने से चांसेस होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप स्टडी करते हैं, ट्रांसमिशन किस किस तरह होता है और इंट्रैक्शन विद द होस्ट, यानी एक ऑर्गेनिज्म, एक पैरासाइट जब अपने होस्ट की बॉडी में जाता है तो वो किस किस तरीके से उसको डैमेज करता है, कहाँ कहाँ जाता है, कौन कौन से एरियाज़ में जाता है, कैसे सेल में दाखिल होता है, कैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है, ये तमाम चीज़ें आप स्टडी करते हैं। इनको पढ़ने के बाद ही आप पता लगा सकते हैं कि फला जो पैरासाइट है उसे रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसके खिलाफ कौन सी दवा बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक वायरस है जो कि ये हमारे पास इंसान का सेल है, ठीक है, और इसके ऊपर ये एक रिसेप्टर लगा हुआ है, एक वायरस है जो इस रिसेप्टर के ऊपर आकर बैठता है, ये वायरस है, ठीक है। जब आपने स्टडी कर लिया कि ये वायरस जब इस रिसेप्टर पे बैठता है तभी अंदर जाता है, इसके अलावा नहीं जा सकता, तो आप कोई ऐसी दवा बना लेंगे, ये दवा बना ली आपने जो कि आके इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो वायरस बॉडी में जाने के बावजूद सेल में नहीं जा सकेगा, जब सेल में नहीं जा सकेगा तो अपनी कॉपी नहीं बना सकेगा, जब अपनी कॉपी नहीं बना सकेगा तो वो नंबर इंक्रीज नहीं होगा। तो ये आप तभी बना सकते हैं, ये जो वायरस के ऊपर अभी रिसर्च चल रही है तो इन्होंने पूरा स्टडी कर लिया है कि किस किस तरीके से ये सेल के अंदर जाता है, किस किस तरीके से सेल को नुकसान पहुंचाता है, डैमेज करता है। तो अब इंशाल्लाह कोई ना कोई दवा जो है वो ऐसी आ जाएगी जो इसको अपना काम करने से रोकेगी। तो ये तमाम चीज़ें पैरासाइटोलॉजी के अंदर डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन बायोलॉजी। जाहिर है नाम से पता लग रहा है, एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन, हर वो चीज़ जो इंसानों से रिलेटेड है वो स्टडी की जाती है। तो MBBS जो है जिसके अंदर आपको डॉक्टर बनाया जाता है तो उसके अंदर मेनली आप इंसानों को ही डिस्कस करते हैं, एनिमल्स प्लांट्स को नहीं करते। तो इंसानों का एवोल्यूशन, किस तरीके से इंसान अकॉर्डिंग टू साइंस वजूद में आए हैं इतने सालों के एवोल्यूशन के बाद, एनिमल से एनिमल, एनिमल से एनिमल, उसके बाद इंसानों की एनाटमी यानी जो स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, किस किस तरह से कहाँ कहाँ मौजूद हैं, फिजियोलॉजी उनका फंक्शन क्या क्या है, हेल्थ, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, फिर बीमारियाँ, जब हेल्थ नहीं रहती तो बीमारी हो जाती है कोई, वो क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और इनहेरिटेंस यानी कैरेक्टर्स किस तरह से जनरेशन टू जनरेशन पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंसानों के बारे में डिस्कस की जाती हैं। तो दैट इज़ ह्यूमन बायोलॉजी। ओके, एक और ब्रांच है दैट इज़ कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी के अंदर बेसिकली आप इंट्रैक्शन डिस्कस करते हैं, इंट्रैक्शन स्टडी करते हैं, सोशल इंट्रैक्शन एक स्पीशी के मेंबर्स का आपस में। एक स्पीशी क्या है भाई, स्पीशी कहते हैं एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कि जिनके सिमिलर फीचर्स होते हैं और वो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करके ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हैं जो फर्टाइल हों, यानी आगे रिप्रोडक्शन करने के काबिल हों। तो दुनिया में जितने भी इंसान हैं हम एक स्पीशी हैं। यहाँ का कोई इंसान किसी भी दूसरे मुल्क के किसी भी इंसान के साथ अगर रिप्रोडक्शन करता है तो ऐसा बच्चा पैदा होता है जो फर्टाइल होता है, इसका मतलब हम एक स्पीशी हैं। फिर हमारे पास सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर काउंट किए जाएं तो यहाँ के इंसान के और अमेरिका के इंसान के और कनाडा के इंसान के और ऑस्ट्रेलिया के इंसान के सबके सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। तो वी आर वन स्पीशी। तो हमारा इंटरेक्शन, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्शन जो है वो कैसा है, प्लस एक इंसान, एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी के साथ जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, ये जो सोशल बिहेवियर है या जो सोशल इंटरेक्शन है ये स्टडी किया जाता है सोशल बायोलॉजी के अंदर। इससे पता क्या लगता है कि जो बिहेवियर्स हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लर्नड होते हैं, सीखे हुए होते हैं। इनहेरिटेड क्या है भाई, तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप चूज़े के आगे आगे भागते हैं या बत्तख के आगे आगे भागते हैं तो आपके पीछे पीछे भागते हैं, ये इनहेरिटेड बिहेवियर है, ठीक है, ये किसी ने सिखाया नहीं है उसे। सिमिलरली मकड़ी जो जाल बनाती है उसे किसी ने सिखाया नहीं है, ये सारे इनहेरिटेड बिहेवियर्स होते हैं। इंड्यूस, कल्चरली इंड्यूस या फिर सीखे हुए बिहेवियर्स वो होते हैं जो आप ऑब्जर्वेशन से या अपनी सोसाइटी से या एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें स्टडी की जाती हैं सोशल बायोलॉजी के अंदर। देन द लास्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इसके ऊपर इसकी डेफिनेशन बच्चे जो है वो 9th क्लास से रटते आए हैं कि इट इज़ द यूज़ ऑफ डेटा एंड टेक्निक्स एंड ब्ला 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 फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, राइट। तो ये भी एक रीसेंट ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरह, ऑल्दो अब ये आइडेंटिफाई की गई है, जबकि इसके हिसाब, इसका जो काम हो रहा था वो तो सदियों से हो रहा था।
जो यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर, जो दही बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत सालों से इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इससे बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें आ गई हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते क्या हैं, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए करते ये हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं उनमें छेड़छाड़ करते हैं, उनमें मैनिपुलेशन करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए, कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आते हैं उनके अंदर, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करते हैं ताकि इंसानों को फ़ायदा हासिल हो सके। अब बायोटेक्नोलॉजी की एग्जाम्पल क्या है, तो बहुत सिंपल है, आप जो वैक्सीन का नाम सुनते हैं, वैक्सीन क्या होती है, ये इसी चैप्टर के अंदर मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो हमें नुकसान पहुंचाता है, तो उसके उससे बचाव के लिए क्या किया जाता है, उसी वायरस को या उसी बैक्टीरिया को या तो नाकारा बना के या उसकी जिस्म का कोई हिस्सा, उसके सेल का कोई हिस्सा अलग करके आपकी बॉडी में डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी उसे पहचान ले, आपका इम्यून सिस्टम उसे पहचान ले और उसके खिलाफ जो है वो हथियार बना ले पहले से। आइंदा जब कभी वो बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के ऊपर हमला करता है तो पहले से हथियार मौजूद होते हैं और उसे ख़त्म कर दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है वैक्सीन का। तो कुछ वैक्सीन जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल हुई हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैं वैक्सीन का टॉपिक समझाऊंगा। सिमिलरली आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, शुगर के जो मरीज़ होते हैं, उनके अंदर एक हार्मोन नहीं बन रहा होता जिसका नाम होता है इंसुलिन। तो मार्केट में उनसे इंसुलिन जो है वो अवेलेबल है और वो इंसुलिन लेते हैं और लगा लेते हैं। कहाँ से आ रही है इंसुलिन, किस में से निकाला जा रहा है, तो ये पहले तो निकाला जाता था लेकिन अब जो है ये बैक्टीरिया से बनवाया जा रहा है, बैक्टीरिया से बनवाया जा रहा है इंसानों का इंसुलिन। तो ये किस चीज़ की मदद से पॉसिबल हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। सो देर आर काउंटलेस एग्जाम्पल, बेतहाशा एग्जाम्पल है। चैप्टर नंबर 9 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 9 है वो पूरा बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है। ऐसे प्लांट्स बनाए जा रहे हैं कि जिनके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे, यानी जो उस प्लांट के अंदर पहले से मौजूद नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल आप सुनते हैं कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं लाइक लेमन है या ऑरेंजेस हैं या ग्रेप्स हैं, इनके अंदर विटामिन सी होता है। अब विटामिन इसके अंदर ए नहीं होता, ठीक है, विटामिन ई नहीं होता, विटामिन के नहीं होता। तो ऐसा किया जा सकता है कि इसी प्लांट के अंदर डीएनए लगाया जा सकता है कि ये तमाम विटामिन प्रोड्यूस कर सके। ये भी किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। एनिमल्स ऐसे बनाए जा सकते हैं जिन पर बीमारियाँ असर ना करें। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम आप सुनते हैं कि डीएनए को इस्तेमाल किया जाता है एज ए फिंगरप्रिंट, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल हुआ है। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आज हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो आसान बनाती हैं। बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल हुए हैं। तो दिस इज़ बायोटेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्निक्स, यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ताकि इंसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके।